भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हो गया है। उन्हें पता है कि सभी जांच एजेंसियां बीजेपी और मोदी जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। वे उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, इसलिए वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवाकर उसमें शामिल हो जाते हैं और किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई से बच निकलते हैं। अब तो खुद बीजेपी ने अपने पास भ्रष्टाचार के दाग मिटाने वाली वॉशिंग मशीन की बात स्वीकार कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ज्वाइन करने का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास आइए, हम भ्रष्टाचारी को बनाएंगे भाजपाई। साफ है, मोदी जी केवल जनता को गुमराह करने के लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दिखावा करते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचारी नेता जब उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं। मोदी जी के लिए भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार जननी पार्टी है। प्रधानमंत्री ने भाजपा को भ्रष्टाचारियों की मंडली बना दिया है। हम आज बताएंगे कि भाजपा की वॉशिंग मशीन का कमाल क्या है, भाजपा की वॉशिंग मशीन ने किन किन भ्रष्टाचारियों की धुलाई की है। पहला, हिमंता बिस्वा सरमा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने ही इन पर जल आपूर्ति घोटाला का आरोप लगाया था। बीजेपी ने शारदा चिटफंड घोटाले में भी हिमंता बिस्वा सरमा को आरोपी बनाया था, मगर राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी ने इस भ्रष्टाचारी के दाग अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिए और फिर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। दूसरा, सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु अधिकारी का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी की शरण ले ली और उसकी वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार के दाग धुलवा लिए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बना दिया। वैसे सुवेंदु नारदा घोटाले में भी कैमरे पर रिश्वत लेते हुए कैद हुए थे। तीसरा, नारायण राणे। भाजपा ने नारायण राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, मगर भाजपा को तो हर भ्रष्टाचारी से प्यार है। इसी प्यार के चलते भाजपा ने नारायण राणे को भी वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया। आज यही भ्रष्टाचारी नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद वे भाजपा की शरण में पहुंचे और उसकी वॉशिंग मशीन में अपने दागों की धुलाई करवा ली। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का हर भ्रष्टाचारी से बहुत ही करीब का नाता है। प्रधानमंत्री ने दाग धुलने के बाद हर भ्रष्टाचारी को मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया। देश प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार प्रेम की सच्चाई को जान चुका है। इस बार देश भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को करारा सबक सिखाएगा।